हाय एवरीवन, इट्स मी न्यूट्रिशनिस्ट रिया वाही और आज हम बात करने वाले हैं डेली न्यूट्रिशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन। हम अपने बच्चों को क्या दें जिससे उनकी न्यूट्रिएंट डिमांड कंप्लीट हो, बॉडी के अंदर उनकी एक अच्छी ग्रोथ हो। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, हमें उनको प्रोटीन देना चाहिए, ठीक है। मील के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, फॉलेट होना चाहिए। देन वाटर प्लीज़ इंक्लूड कीजिए, वाटर भी पीना चाहिए बच्चों को, जो वो सबसे ज़्यादा स्किप करते हैं, पानी नहीं पीते। इसके अलावा और भी बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फैट्स। फैट्स अगर दें तो अनसेचुरेटेड फैट्स दें, लाइक मोनोसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स। तो ये वाली फैट्स इंक्लूड करनी चाहिए जिनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होता है, दे आर अ गुड क्वालिटी फैट। अपार्ट फ्रॉम डैट, कार्ब्स इंक्लूड होने चाहिए जिससे उनको राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डेली न्यूट्रिएंट नीड्स में, मैंने जैसे आपको काउंट करा दिया, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, कैल्शियम, आयरन, फॉलेट, वाटर एंड फाइबर। फाइबर भी इंक्लूड कीजिए, आप अपने बच्चे को प्लीज़ सलाद दीजिए, ठीक है। सैलेड अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं आप, कभी बेल पेपर सैलेड दे सकते हैं, कभी आप उनको स्प्राउट सैलेड दे सकते हैं, बॉयल्ड राजमा सैलेड दे सकते हैं, बॉयल्ड चना सैलेड दे सकते हैं। तो बहुत ऑप्शन है सैलेड देने की, अगर बच्चे को एक सैलेड पसंद नहीं आती तो कुछ और बना के दे सकते हैं। नाउ लेट्स कम कि हम बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बेसिकली एक क्या मील पैटर्न होना चाहिए जिससे सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो बच्चे की। बेनिफिट क्या है, अगर आपका बच्चा न्यूट्रिशियस मील खाता है, सबसे पहले उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, डैट इज़ द गुड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्योंकि ग्रोइंग बच्चों को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट होता है, हम लोगों से एक सेडेंट्री एडल्ट से कंपेयर करो तो उनका ज़्यादा तेज मेटाबॉलिज्म है। तो राइट प्रोटीन एंड कार्ब्स गिव अ वेरी गुड ग्रोथ टू योर चाइल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जब एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस मील को आप अपने बच्चे के खाने में इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप फ़र्क देखेंगे आप अपने बच्चे की हेल्थ में। द चाइल्ड बिकम मोर एक्टिव, चाइल्ड स्टार्ट फीलिंग लाइट, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है अगर हम जितना भी ये प्रोसेस फूड है उसको अवॉइड करते हैं। तो नेचुरल जो होममेड कुक फूड है अगर हम उसको ही आगे प्रमोट करते हैं तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। राइट एज पे प्यूबर्टी आती है, जो आजकल अर्ली प्यूबर्टी आ रही है उसका मेन रीज़न है क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रिजर्वेटिव वाला खाना खिलाते हैं या फिर हम एक प्रोसेस फूड दे रहे हैं अपने बच्चों को, इसलिए उनको एक अर्ली प्यूबर्टी हिट करती है। बचपन में ही आप अपने बच्चे को डेली में ईटिंग, हेल्दी ईटिंग हैबिट में अगर डालते हैं, ग्रॉसरी खरीदने के लिए लेके जाते हैं, उनको इसी मोड में लेकर आते हैं, तो उनका डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि बाय द टाइम दे विल ग्रो अप, दे विल सेट देमसेल्व इन अ पर्टिकुलर पैटर्न इन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, तो उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है एंड दे कैन कॉम्बैट द बेसिक डिसीजेज विच आर फॉलोइंग दीज डेज, लाइक ओबिसिटी, ठीक है, देन CVD, दैट इज़ योर हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रिजर्वेटिव फूड विच इज़ बीन गिवन टू योर चाइल्ड बाय यू और बाय मे बी फ्रॉम द मार्केट, बच्चे खुद खरीद लेते हैं। नाउ लेट्स टॉक, हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बच्चों को ऐसा क्या दें जिससे कि बच्चा हेल्दी भी रहे और बच्चा बोर भी ना हो खाने में। अगर इफ़ इट इज़ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड, आप बच्चे की कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा दीजिए विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। एक तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा खाने में। सेकेंड, एंड इट इज़ वेरी लाइट। नाउ लेट्स टॉक, उपमा दे सकते हैं, सूजी का उपमा, अगेन बहुत सारी वेजिटेबल एड्स करके, ठीक है। देन यू कैन गिव डोसा, आप डोसा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, फर्मेंटेड होता है, घर पे ही बनाया हुआ बैटर, पैकेट वाला नहीं लाए, घर पे ही दाल और चावल को मिक्स करके बैटर बनाएं। मूंग दाल का डोसा बना सकते हैं आप, मूंग दाल का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया। देन इडली दे सकते हैं आप कोकोनट और पीनट चटनी के साथ, अगेन इट कवर्स अप ऑल द न्यूट्रिएंट वैल्यू, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन सारा कवर हो जाता है और बच्चे को स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। आप उनको आलू का परांठा, प्याज का परांठा, पनीर का परांठा, मेथी का परांठा, पालक का परांठा विद होममेड धनिया एंड पुदीना चटनी, आप उनको ये दे सकते हैं खाने में स्कूल के अंदर। फिर जब बच्चे घर पर आते हैं तो आप लंच में उनको, जैसे अगर उनको अंडा पसंद है तो उबला अंडा दे सकते हैं, सब्जी, दाल, रोटी, आप रोटी ज्वार की रोटी भी दे सकते हैं, बाजरे की रोटी भी दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, देन कर्ड या फिर छाछ,
इसमें से कोई ऑप्शन आप बच्चे को दे सकते हैं, तो आप बच्चे को एक प्रॉपर मील दे रहे हैं लंच टाइम पे, फिर बच्चा थोड़ी देर रिलैक्स करता है तो इवनिंग में उसको एक गिलास दूध दे सकते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पीना चाह रहा तो आप बच्चे को अलग फॉर्म में दे सकते हैं दूध, जैसे आप दही की फॉर्म में दे सकते हैं, और दही भी नहीं खाता तो पनीर, कच्चा पनीर काट के दे सकते हैं, तो वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बाय वन और दी अदर वे आप उसको दूध की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं एक अलग फॉर्म में दे के। अब आता है डिनर। डिनर बच्चों को बिल्कुल भी हैवी नहीं देना चाहिए और ना बच्चों को भूखा रखना चाहिए ये बोल के कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। आप ऐसे में बच्चे को लाइट डिनर दीजिए, आप बच्चे को वो दीजिए जो उसको पसंद है, जैसे आपने रोटी और सब्जी और सलाद दे दिया, ठीक है, नहीं तो आपने जैसे बच्चे को एक स्प्राउट सैलेड दी, उसके साथ सूप भी दिया और साथ में एक चीला बना के दे दिया, तो आप ऐसी ऑप्शन अपने बच्चे को दे सकते हैं कि ऑल द फूड ग्रुप्स इज कवर इन द मील, लाइक मीट ग्रुप इज कवर बाय एडिंग एग, चिकन और मीट इन द डाइट, देन योर इवन द मिल्क कम्स इन अ सेम कैटेगरी, और आप सीरियल की कैटेगरी कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चे को रोटी देकर, चावल देकर, रोटी ज्वार की बनाइए, बाजरे की बनाइए, ठीक है, और नॉर्मल आटे की रोटी बनाइए, और अपार्ट फ्रॉम दिस आप चावल दे सकते हैं बच्चे को, उबला चावल जिसका आप ड्रेन कर देते हैं पानी और मार निकल जाता है, डैट इज़ द स्टार्च आप रिमूव करके जो बच्चे को चावल देते हैं वो बहुत हेल्दी है। देन आप सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डिफरेंट कलर वेजिटेबल्स आप अपने बच्चे को दीजिए, छोटा छोटा फाइनली चॉप करके उसको उपमा में डालिए, पोहा में डालिए, उत्तपम बनाइए, मिक्स वेजिटेबल बनाइए, उसका सूप बनाइए, आप अलग अलग फॉर्म में दे सकते हैं। अगर बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं पसंद तो उसके कटलेट बना के दीजिए। देन आप दाल ज़रूर इंक्लूड कीजिए, डैट इज़ अ गुड प्रोटीन, और कोशिश कीजिए आप बच्चे को दाल दोपहर को खिलाइए, राजमा दोपहर को खिलाइए, छोले दोपहर को खिलाइए। सो सेट अ प्रॉपर पैटर्न एंड योर डेली न्यूट्रिशन ऑफ योर चाइल्ड इज़ कम्प्लीट। प्लीज़ टेल योर चाइल्ड टू ड्रिंक वाटर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पानी को मत भूल जाइए, पानी ज़रूर दीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये सारी डेली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट लगती है अपने बच्चे के एंड योर चाइल्ड बिकम्स हेल्दी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, बाय बाय।